बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज कुछ डिफरेंट बनाने को दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। घर में आपके पास अगर कोई पालक या कोई ऐसे कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो उन्हें वेस्ट करने के बजाय उनसे कोई ना कोई ऐसा सालन या ऐसी रेसिपी तैयार कर लेनी चाहिए जो आपकी फिर सब्ज़ी ज़ाया नहीं हो। तो मेरे पास पालक, हरा धनिया, पुदीना, प्याज है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको वेस्ट किए बगैर आज इनके कबाब तैयार किए जाए और आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये पालक है, देखें रफ कटी हुई, ये पुदीना और प्याज, हरी मिर्च, और यहाँ जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चलेंगे वो हैं कुटी हुई मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और इधर हमने आलू उबलने के लिए रख दिए, ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनके कबाब बनाए जाएं आज डिफरेंट तरीके से। तो आप रहिए मेरे साथ और आज देखते हैं कि ये कबाब कैसे तैयार होते हैं। ठीक है, हमारे हो चुके हैं, अपने इनको क्रश कर लेते हैं सब चमचे की मदद से बॉल में। इस तरीके से और टेस्ट का रिव्यू आपको देंगे शाहिद और मेरे दोनों क्यूट से बच्चे इरम और अरमान। जब ये डन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि वाकई ये बहुत मज़े के बने हैं या नहीं। जो भी रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, ये हम इस तरीके से सारों को मैश कर लेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने पैन में ऑयल ले लिया। ठीक है, ऑयल ले लिया, ये थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसमें पालक और अपनी जो है प्याज और ये पुदीना इनको सोते कर लेंगे ताकि एक मज़े का फ्लेवर इसमें से आए और ये बहुत टेस्टी बने। ये गरम हो गया, इसमें कल हम प्याज ऐड कर लेते हैं। ये हमें ज़्यादा नहीं करने हैं, बस हल्का सा सोते करना है। इसे निकाल देंगे, इसी में हम ऐड कर लेते हैं अपनी पालक ताकि सब चीज़ें एक साथ ऑलमोस्ट डन हो जाए। हल्का सा रस ताकि हमारे कबाब क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार बने। मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं इंशाल्लाह। और इस तरीके के जो तजर्बे होते हैं वो कभी कभी नाकाम भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जहाँ कामयाबियाँ मिलती हैं अगर बंदा नाकाम भी हो जाए तो उसे भी शेयर करना चाहिए कि हाँ जी ये मसला ऐसा हो गया और ये नहीं सही बने। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पालक मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है
और वो पालक के पकोड़े भी बहुत मज़े ले लेकर खाते हैं। अभी जो शबान में रोज़े गए हैं उसमें बच्चों ने रोज़े रखे थे, तो वो स्पेशल उन्होंने कहकर मम्मा के पकोड़े बनवाए थे। मम्मा पकोड़े बनाए, ये देखें सोते हो गई, बस इतनी हद तक हमें इसे इसको बिल्कुल इसका वो ख़त्म नहीं कर दूँ, तो पका पका के इनका बुरा हाल कर दूँ, बस सोते से करना था। ठीक है, वो हमने कर दिया। मैं इनको ना ठंडा होने के लिए रख लिया है, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मैश किए हुए आलूओं में इनको शामिल कर लेंगे और सारे ये जो हमारे मसाले हैं ये भी शामिल कर लेंगे और फिर हम इनके कबाब रेडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ठंडे हुए हैं तो ये ठंडा हो गया, तो अब इसे हम शामिल कर लेते हैं अपने बाउल में। साथ ही अपने है जो हमने रखे ये भी शामिल कर लेते हैं और इनके अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी से माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तैयार हो गए हैं, मैंने ऑयल एक पैन में रख दिया है, जैसे ये नॉर्मल सा हो जाता है हम इसमें अपने कबाब ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल नॉर्मल आंच पर फ्राई करना है। ताकि बड़े मज़े के और अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा करते हैं ये अच्छे से होने दें। जब इनकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो तब हम इसको पलट देंगे। गाइस ये देखें, ये कुछ ना इसमें मज़े के नहीं फ्राई हो रहे थे तो चिपक रहे थे, तो मैंने सोचा है कि मैं जिस तरह रेगुलरली अपने तवे पे बनाती हूँ उस पे करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो वो तो हमने फिर साइड पे कर दिए, तो नेक्स्ट अब हम इसमें ऑयल हो चुका है। हमेशा तवे पे बनाती हूँ, आज मैंने कहा चलें पैन में बना के देख लेते हैं बन जाएंगे, लेकिन वो उस पर चिपक रहे हैं, तो इस वजह से हमने तो साइड पे कर दिए। तो इंशाल्लाह ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने नॉर्मल सी रखी है,
वेट करेंगे इनका एक साइड होने का। ये ज़बरदस्त बेस्ट। और वो तो बिल्कुल चिपक रहे थे, ये देखें बिल्कुल नहीं चिपक रहे, ऐसे ज़बरदस्त हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने घरों में, अगर आपके घर कोई सब्ज़ी बचे, मैंने आपको पराठे बनाने भी सिखाए थे साग के, जो साग घर में बच जाता है, तो उसके पराठे सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी जैसे मैं ये पालक के कबाब बना रही हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप भी अपने घर में इसी तरह, ये देखें ये हमने पलट ली है, अच्छा लगता है, कितना प्यारा कलर आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में इसी तरह अपने बचे हुए सब्जी को ज़ाया नहीं होने देंगे और अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छी डिशेस बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कीजिए और बताइए कि आज ये जो कबाब तैयार हुए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं, तो ये कैसे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब आपका वेट कर रहे हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से कि आप ये बताएंगे कि आपने खा कर रिव्यू देने हैं कि जनाब ये कैसे बने जी, कैसा टेस्ट है? थैंक यू सो मच।